नमस्कार दोस्तों, मैं मानव बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका आपका ये चैनल नेक्स्ट डे टेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम में एसएमएस में काम कैसे किया जाता है। मुझको बहुत से दोस्तों ने मुझको मतलब फोन भी किया, रिक्वेस्ट भी भेजा है कि उनको काम करेगा करने का तरीका थोड़ा समझा दूं मैं, तो वही आज मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे काम कैसे करना है। बहुत लोग तो जानते हैं, उनको उनके लिए वीडियो नहीं है। जिन लोगों को काम करने में दिक्कत आ रहा है, वो लोग वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ये है इनकम में एसएमएस का पेज, ये सब तो आप जानते हैं। मैं साइन इन कर लेता हूँ। पहला तो हो गया आपका दोस्तों, ये डैशबोर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपका, आपका पेमेंट कहाँ पे शो करेगा आपको वो जानना है। आप अगर अपना प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं, प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा, व्यू प्रोफाइल में क्लिक करिएगा तो आपका प्रोफाइल दिखा देगा। यहाँ पे ये आपका प्रोफाइल है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोफाइल में आपका, आप अगर कोई प्रोफाइल आपको अपडेट करना चाहते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट वगैरह, तो मैनेज बैंक अकाउंट में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड और ब्रांच नेम देकर सबमिट कर दीजिएगा। इसको एकदम सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट आ गया दोस्तों आपका पेमेंट का, आपका आपका पेमेंट कहाँ पे शो करेगा। आप जो काम कर रहे हैं, पेमेंट दोस्तों आपका ई वॉलेट में शो नहीं करेगा, आपका शो करेगा यहाँ पे एसएमएस वॉलेट बैलेंस, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़े एसएमएस भेजे थे तो मुझको अभी 19 रुपया हुआ है मेरा। और आपने कितने एसएमएस भेजे हैं, क्या है पूरा का पूरा डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करने से आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। आपने कितने एसएमएस भेजे हैं, कब भेजा था, किस कितने तारीख को भेजा था, पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों आपको। ये देखिए मैंने कब कब कौन से एसएमएस भेजे थे, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ गया आपका। तो यहाँ पे आके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। लास्ट जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट सेंड एसएमएस। ये सब आपका काम का नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक से लिख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट सेंड एसएमएस, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके जो मोबाइल नंबर उन लोगों ने दिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, जो भी एसएमएस आप सेंड करना चाहिए इसमें से किसी में भी टिक मार्क कर सकते हैं आप। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको कर सकते हैं, आपका इच्छा है, जिसमें करना है आप कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और सबमिट कर दीजिए यहाँ पे। सबमिट करने के बाद अगर दोस्तों आपका यहाँ पे ऐसा लिखा है सेव सक्सेसफुली, बस आपका एसएमएस सेंड हो गया है। आपको दूसरा कुछ सोचना नहीं है, सेंड क्या, सेंड या वो क्या लिखा है क्या नहीं है। यहाँ पे अगर सेव सक्सेसफुली आ गया तो आपका काम हो गया। और एक दोस्तों मुझको लोगों ने पूछ रहा था, मतलब बहुत से दोस्तों ने मुझको पूछा है नंबर कहाँ से रहे। मैं नंबर बनाने का तरीका मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका नंबर हो गया 99, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 99540 1 2 3 4 5, ये नंबर हो गया। तो अभी आपको 1000 SMS सेंड करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आइए ऐसे, और इसको खींच, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला पहला वाला नंबर लिख लिया, सेम नंबर यहाँ पे फिर से लिखिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। लास्ट वाला जो है इसको 5 था आपका, इसको 6 कर दीजिए, हो गया। इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके इसको खींच के लाइए। जितना दूर तक खींचते रहेंगे उतना नंबर बनता जाएगा आपका। मैंने इतना तक बना लिया, देख लीजिए आप, सीरियल नंबर बन गया 45 46 47 48, ऐसे एकदम सीरियल नंबर अपना बन जाएगा आपका। और आपको क्या करना है, मैं इजी प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करके उस पेज में चले जाइए, इसमें आके यहाँ पे नंबर कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सबमिट। हो गया, ओके कीजिए, फिर से यहाँ पे क्लिक क्लिक कर दीजिए। पहले फिर से एक्सेल में आइए, दूसरा नंबर सिलेक्ट कीजिए, ये इसको कॉपी कीजिए ऐसे, फिर से उस पेज पे चले जाइए, कंट्रोल V दबाइए और सबमिट। बस इतना ही करना है दोस्तों आपको, एकदम आसान प्रोसीड्यूर है।
और अगर कुछ भी अभी तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ भी अगर डाउट हो तो उसको आप कॉल कर सकते हैं, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा क्या करना है। मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पूरी तरह समझा ही दिया है क्या करना है कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज दिखाया जाता हूँ मैं, विदड्रॉल रिक्वेस्ट, ये आपका पैसा विदड्रॉ करने के लिए ये है आपका SMS विदड्रॉल रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या मेंबर जी वगैरह आ जाएगा, आप जितना अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आप 85, आप 500 रुपये विदड्रॉ कर 500 डाल दीजिए। यहाँ पे बैंक पेटीएम जो सा आपका ऑप्शन चाहिए हो, आपको पेटीएम मिले पेटीएम लीजिए, बैंक पे नहीं बैंक पे ले लीजिए, एकदम सिंपल है दोस्तों। इतना ही था ये वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल वाला आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आप लोगों को अपडेट्स मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।